हिंदी और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर अगर आपको कोई स्टैक आ जाती है, अगर वो स्टैक हट नहीं रही है तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है, अब आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आपको ऐसे ही एक स्टैक के बारे में बताऊंगा अपने चैनल के ऊपर जो कि मुझे आई हुई है, और उसे मैंने हटाने के लिए काफ़ी अपील भी की है पर वो हट नहीं रही है, तो उसका रीज़न क्या है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। और आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि जो YouTube है वो हमें वैसे तो तीन स्ट्राइक देता है, तीन स्ट्राइक के बाद आपका चैनल को बंद कर देता है, बट जो आपकी फर्स्ट स्ट्राइक होती है, सेकंड स्ट्राइक एंड थर्ड स्ट्राइक, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है आपके चैनल के ऊपर, और जो स्ट्राइक मुझे आई हुई है उसमें और इनमें क्या फ़र्क है। फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमेशा एक छोटी सी अपील की जाती है, प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कीजिए। चलिए अब अपनी वीडियो पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल के ऊपर एक वार्निंग आई हुई है, ये एक वार्निंग है, वार्निंग और स्ट्राइक ये दोनों अलग अलग चीज़ है, बट ये एक स्ट्राइक के ही तरीके से मुझे आई हुई है। आप देखिए कि मेरी इस वीडियो के ऊपर एक स्ट्राइक आई थी जो कि मैंने अपील की थी। बेसिकली स्ट्राइक अपील के बाद 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, बट ये 20 अक्टूबर 2019 की आई हुई है, अभी तक डिलीट नहीं हुई है। बेसिकली कि ये YouTube की तरफ से मुझे वार्निंग दी गई है, ना कि स्टैग। जब भी आपके चैनल पे फर्स्ट टैग आती है तो वो एक तरह की वार्निंग होती है। वार्निंग मीन्स डैट कि आपको वार्न किया जाता है कि ऐसी हरकत आप दोबारा ना कीजिए, नहीं तो आपके चैनल को हम डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे या उस वीडियो को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह ही वार्निंग दी जाती है। अगर आप पहली वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते, फिर ऑटोमेटिकली आपको सेकंड वार्निंग दी जाती है, आपकी वीडियो आप अपलोड नहीं कर पाते अपने चैनल के ऊपर, जो आपकी इनकम है आपको नहीं मिल पाएगी, एंड थर्ड जो आपकी आखिरी है फाइनल स्ट्राइक होगी उस पे आपके चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, और आप किसी भी कोई भी वीडियो वहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ये एक तरह की वार्निंग यूट्यूब की तरफ से हमें दी गई है कि आपने उस टाइम कुछ गलती की थी, उस गलती के दौरान आपने ये काम किया था, ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए इस पे। तो आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक में आपको वार्निंग मिली है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड जब भी आपको पहली स्ट्राइक मिले तो वो एक तरह की वार्निंग है यूट्यूब की तरफ से, तो प्लीज़ उसे सीरियसली मत लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आप इसे सीरियसली मत लीजिएगा क्योंकि ये और यहाँ पे ही रहेगी हमेशा के लिए, बट आपको इसका कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं होगा आपके चैनल के ऊपर, आपके व्यू के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।